हम आपको ओवर एवव अंडर और बिलो के प्रयोग को सिखाएंगे और ये चारों के चारों प्रीपोजिशंस सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस हैं जो कि बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चे जब भी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ओवर और एवव दोनों का मीनिंग तो पर होता है या किसी चीज़ के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन अंडर और बिलो जब आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो मीनिंग तो वो जानते हैं लेकिन इसका प्रयोग कब और कहाँ करते हैं इस बात को नहीं जानते हैं। तो चलिए बतलाते हैं। फर्स्ट, ओवर का यूज, ओवर का मीनिंग पर होता है ये तो आप समझते ही हैं, और इसका यूज कब और कहाँ करते हैं, तो फर्स्ट जब कोई भी चीज़ ऊपर हो लेकिन सटा हुआ नहीं हो, क्या हो, सटा हुआ नहीं हो, यानी टच नहीं करता हो, टच नहीं करता हो। सेकेंड चीज़ यह क्या हो, तो लंबवत हो, लंबवत मतलब क्या होता है, वर्टिकल हो, यह क्या हो, लंबवत हो यानी वर्टिकल हो। तो ऐसा कौन सा चीज़ आता है जो कि ऊपर भी हो, सटा हुआ भी नहीं हो और लंबवत भी हो यानी वर्टिकल भी हो। तो चलिए सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है फैन। हम क्या बोलते हैं कि देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, यानी मेरे सिर के ऊपर क्या है, एक पंखा है। जैसे कि कोई ऊपर में पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है और ये चलते रहता है, तो सिर के ऊपर भी तो होता है, हवा भी देते रहता है, लेकिन वो सिर में सटा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि सिर में सटा हुआ रहेगा चलेगा कैसे, और ऐसे में तो गर्दन कट जाएगा ना, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ओवर का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई भी चीज़ सटा हुआ नहीं हो और लंबत हो यानी वर्टिकल हो। तो ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड थिंग देखते हैं एवव में। एवव का यूज भी जो है सो पर के सेंस में होता है, ठीक है, और इसका भी यूज जब कोई भी चीज़ सटा हुआ नहीं हो, कोई भी चीज़ सटा हुआ नहीं हो लेकिन क्या हो, तो वह क्षैतिज हो, क्या हो, वह क्षैतिज हो। क्षैतिज अगर नहीं समझते हो तो हॉरिजेंटल तो समझते होगे ना, क्या समझते होगे, हॉरिजेंटल तो समझते होगे। हॉरिजेंटल क्या होता है, जो ऊपर में रहता तो है लेकिन इधर उधर फैला हुआ रहता है, इधर उधर क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। जैसे मान के चलो हम क्या बोलते हैं कि द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, यानी शहर के ऊपर क्या कर रहा है, तो हेलीकॉप्टर जो है सो फ्लाइंग कर रहा है, ठीक है, शहर के ऊपर है तो शहर के ऊपर ही, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही जगह जो है सो एकदम एक ही जगह जो है सो अस्थिर है, ऐसा तो है नहीं, वो क्या हो रहा है, तो चारों बगल जो है सो घूम रहा है, फ्लाइंग कर रहा है। इसी तरह से अगर जो है सो अगर हम बोलते हैं कि देयर आर क्लाउड्स ओवर द विलेज, यानी मेरे गांव में जो है सो बादल लगा हुआ है, मेरे गांव में क्या है, तो बादल लगा हुआ है, तो बादल तो सब जगह क्या है, वह जो है सो हॉरिजेंटल है यानी फैला हुआ है, क्षैतिज है, क्या है, फैला हुआ है, क्षैतिज है। तो आई होप आपको ओवर और एवव के यूज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ओवर जो होता है तो वह एग्जैक्ट किसी चीज़ के ऊपर होता है लेकिन सटा हुआ नहीं होता है, और एवव जो होता है वह भी ऊपर तो होता है लेकिन यह क्या होता है, तो क्षैतिज होता है यानी हॉरिजेंटल होता है, यह जो है सो सब जगह घूमते रहता है, ठीक है। ओवर और एवव का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। चलिए इसमें एक और इसका यूज है वो भी हम आपको बतला देते हैं, एक और यूज है वो भी जो है सो हम बतला देते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं कि जैसे ओवर है इसका हम क्या बोले थे कि इसका यूज जो है सो वर्टिकल होता है, क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो देखिए ओवर में ओ भी आया है, यहाँ पर भी है ना, तो यानी क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ये एक ट्रिक आपको बता दिए, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एवव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवव, तो इसका यूज क्या होता है, तो हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए और एच हो गया। तो आप ये याद रखिएगा कि ओ भी मीन्स वर्टिकल होता है, यानी ओवर जो है वर्टिकल होता है, और एवव यानी ए एच हो गया,
तो यानी एबव क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। चूँकि हम भी बचपन में जब पढ़ा करते थे तो हम भी कन्फ्यूज हुआ करते थे कि गुरुजी क्या बताए हैं, कौन हॉरिजेंटल होगा कौन वर्टिकल होगा, ये चीज़ ऐसा हम भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाया करते थे। तो इसलिए हम आपको ये ट्रिक बता दिए कि आप इस ट्रिक से कभी भी नहीं भूलिएगा। आपको हमेशा याद रखना है OV यानी ओवर जो है सो वर्टिकल, और AH यानी एबव जो है वह हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। तो आई होप आप इस ट्रिक से नहीं भूलिएगा। चलिए इसका नेक्स्ट यूज हम आपको बतला देते हैं कि ओवर और एबव दोनों का यूज जो है सो किस सेंस में होता है। ओवर और एबव दोनों का यूज जो है सो किस सेंस में होता है, तो लेस देन नहीं होता है, मोर देन के सेंस में होता है। किस सेंस में होता है, मोर देन के सेंस में होता है। याद रखिएगा कि देन में जो है सो हम ए का यूज किए हैं, ई का यूज नहीं किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ए और ई में, क्या देन ए और ई। तो मोर देन के सेंस में होता है, जैसे क्या बोलते हैं, देयर आर एबव 40 स्टूडेंट्स, देयर आर एबव 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी मेरे क्लास में क्या है तो 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है। यहाँ पर मोर देन मीन्स क्या होता है, ज़्यादा। मोर देन मीन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एबव 40 यानी 40 से ज़्यादा। एबव 40 मीन्स 40 से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह से क्या हम बोलते हैं कि ही इज ओवर 40। अब ही इज ओवर 40 इसका मतलब क्या हो गया कि उसका उम्र जो है वह कितना है, तो 40 साल से ज़्यादा है। उसका उम्र कितना है, तो 40 साल से ज़्यादा है। उसका उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, एबव और ओवर को। चलिए आपका नेक्स्ट है अंडर और बिलो। नेक्स्ट क्या है, अंडर और बिलो। तो अंडर का भी मीनिंग नीचे होता है और बिलो का भी मीनिंग नीचे होता है। एक यूज तो आप समझते होंगे कि जब किसी चीज़ के नीचे कोई दूसरा चीज़ रखा रहता है तो हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो टेबल है, टेबल के नीचे अगर बिल्ली बैठी हुई है तो जनरली हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं, बिलो का यूज वहाँ पर नहीं करते हैं। जैसे क्या हो गया, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल यानी कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है। कैट कहाँ है, टेबल के नीचे है, ठीक है। तो के नीचे के सेंस में इसका यूज हो गया। अब सेकेंड है कि अंडर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट जैसे पढ़ा देते हैं, पढ़ाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा देते हैं और आपको समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार ही चलेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड अगर हम पढ़ा देते हैं तो आप कहिएगा कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड जैसे बोल देते हैं, पढ़ा देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं स्पीड जैसे नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कह दीजिएगा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इस स्पीड में भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, अंडर और बिलो दोनों का यूज जो है सो हम लेस देन के सेंस में करते हैं, यानी किसी भी चीज़ से कम। लेस देन का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज़ से कम के सेंस में करते हैं। जैसे क्या बोलते हैं कि ही हैज अंडर 200, ही हैज अंडर 200 रुपीज, यानी उसके पास 200 से कम रुपया है, यानी लेस देन 200 हो गया, यानी 200 से कम रुपया है, लेस देन 200 हो गया। या किसी की एज अगर बताना है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज बिलो ट्वेंटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि उसकी उम्र जो है सो क्या है, 20 साल से कम है। उसकी उम्र क्या है, 20 साल से कम है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप ओवर एवव अंडर और बिलो के इस यूज को समझ जाते हैं तो फिर आपको जैसे स्पोकन हो, रिटेन हो, कंपटीशन हो, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जैसे कोई रूल किसी ग्रामर में ज़्यादा दिया हुआ नहीं है। एक दो इधर उधर का अगर रूल दिया भी होगा तो कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में उसका कहीं यूज होता ही नहीं है, बोलने में ज़्यादा कहीं यूज होता ही नहीं है। हम लोग इसी रूल से जैसे काम चलाते हैं, ठीक है। अब हम तो जैसे पढ़ा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी बची है कि जिस तरह से आप जैसो अन्य वीडियो को भी लाइक शेयर और करते हैं तो इसको भी लाइक शेयर और कर दीजिएगा, उतना ही प्यार इस पर भी दीजिएगा। और अगर आप जैसो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो अगर फेसबुक या इंस्टा पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जैसो हर एक प्लेटफॉर्म आपको नोटिफिकेशन देगा, और नोटिफिकेशन देगा तो फिर क्या होगा, टाइम टू टाइम जैसो आप वीडियो को देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।